हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ अनुराधा। आज मैं मैंगो श्रीखंड की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए बनाते हैं इसे। आज यहाँ पर मैंने दो मैंगो को पीसेस में काट के ले लिया है। मिक्सी के जार में डाल देंगे इसको और इसको बिल्कुल महीन पीस लेंगे। पीसने के बाद उसको साइड में रख देंगे। फिर एक बॉल ले लें, बॉल में ये डाल दें दही। यहाँ पर दही एकदम गाढ़ा होना चाहिए। बिस्कर की सहायता से इसको फेंट लें। दही को कपड़े से छान के ले लें जिससे पानी पूरा निकल जाए, तभी आप दही को यूज करें। फेंटने के बाद एकदम क्रीम जैसा दिखेगा ये दही, तभी श्रीखंड अच्छी बन के तैयार होगी। जब भी आप मैंगो श्रीखंड घर में बनाएं, तो बाज़ार से दही ना खरीदें, घर में ही दही को जमा लें तो ज़्यादा अच्छा श्रीखंड बन के तैयार होगा। ये देखिए, यहाँ पर एकदम क्रीम जैसा दही हो चुका है। अब इसमें मैंगो पल्प डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। यहाँ पर आप लोग कोई पानी वगैरह मत डालें, बस इसको मिक्स कर दें। यहाँ पर अच्छे से दही में पूरी तरीके से मिला दें इसको, मैंगो को। याद रहे ज़्यादा खट्टा दही का यूज ना करें, नहीं तो चीनी बहुत ज़्यादा डालनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पर चलाते चलाते ये मिक्स हो चुका है मिक्सर। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे, जो मुझे खाने में पसंद है वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। आप लोग जो ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर, बारीक कटे हुए काजू के टुकड़े, साथ में बारीक कटे हुए बादाम। 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम मैंने यहाँ डाले हैं, और थोड़ी सी चीनी। चीनी और ड्राई फ्रूट्स को मिला दें इसमें और इसको ठंडा करके खाएं, तभी अच्छा लगता है ये श्रीखंड। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजी और जल्दी बन के तैयार हो गया है ये श्रीखंड। आप किसी भी फ्रूट्स का श्रीखंड बना के तैयार कर सकते हैं। मैंगो के जगह बनाना, चीकू, जो भी आपको पसंद हो फ्रूट्स वो ले लें। ये जल्दी ठंडा करना है तो मैंने फ्रीजर में रख दिया आधा घंटा के लिए। ठंडा हो चुका है अब ये। आप इसको गिलास में डाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर को पहले डालेंगे। बीच बीच में आप लोग जो आपको फ्रूट पसंद हो वो भी डाल सकते हैं इसमें। जब हाफ ग्लास ये भर जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे ये मैंगो के पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए। इस तरीके से खाने से मैंगो श्रीखंड बहुत ही अच्छा लगता है। फिर से ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ये मिक्सचर, फिर ऊपर से डाल देंगे थोड़े से मैंगो पीसेस। इस तरीके से आप लोग भी मैंगो श्रीखंड बनाइएगा और बताना कैसा लगा था आप लोगों को कमेंट करके। आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंगो श्रीखंड बनके तैयार है। इसको गार्निश करें केसर के धागों से या ड्राई फ्रूट से। फिर देखिए इसका स्वाद बहुत ही बेहतरीन होगा। आप लोग यहाँ पर पिस्ता का भी यूज कर सकते हैं गार्निश के लिए। थोड़ा सा और सुंदर दिखने के लिए इसमें मैं लगा दूंगी मिंट लीव्स। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ये। खाने में भी इतना ही टेस्टी बनके तैयार हुआ है ये मैंगो श्रीखंड। तो नेक्स्ट रेसिपी का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू।